राइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये राइस वाटर ब्राइट क्लेंजर और राइस वाटर टोनर, राइस वाटर मॉइस्चराइजर और न जाने बहुत सारे प्रोडक्ट, तो राइस उनका मेन इंग्रेडिएंट है गाइस। तो आज मैं आपको उसी पर ही एक स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये चावल ओवरनाइट रखे हैं ताकि जो राइस के सारे गुण हैं वो इस पानी में आ जाए। तो हमें ये पानी लेना है। अगर आपको ओवरनाइट नहीं रखना तो आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं और इसका जो एक्सट्रैक्ट मतलब पानी है वो निकाल सकते हैं। तो अब मैं ये वाटर लूँगी। तो अब हम इस वाटर को एज अ क्लेंजर यूज़ करेंगे गाइस, ये जो पानी है इसे। तो गाइस सबसे फर्स्ट आते हैं क्लेंजिंग पर। तो मैं यहाँ पे राइस वाटर से फेस को क्लेंज करूँगी अच्छी तरह से, ताकि जो भी कुछ डर्ट और ऑयल मेरे फेस पर बचा होगा वो रिमूव हो जाएगा और हमें एक अच्छी सी ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो गाइस अब हम बनाएंगे फेस स्क्रब। तो फेस स्क्रब के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच राइस फ्लोर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी आपका राइस मिक्सर में ग्राइंड करके इसकी पाउडर बना सकते हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो नॉर्मल वाटर है उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अच्छे से पेस्ट बनाएंगे गाइस। तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है। तो गाइस ये जो राइस का स्क्रब है वो हमारे स्किन में से डेड स्किन को रिमूव कर देती है, और जो अगर आपको डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो तो उसे भी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो। आप इस फेस स्क्रब को वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बहुत ही अच्छा है सभी स्किन टाइप के लिए और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइस, और ये इंस्टेंटली आपको एक ब्राइटन फेस देगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इस फेस स्क्रब और स्किन केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए गाइस। तो गाइस अब हम बनाएंगे फेस मास्क। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर, 1 टेबलस्पून ऑफ ओट्स डालेंगे अब हम इसमें। तो ये प्लेन ओट्स है गाइस, आपको कोई भी फ्लेवर वाला ओट्स नहीं ऐड करना, उसमें प्लेन ओट्स ही ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हनी। अब इसे पेस्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये रोज़ वाटर ना हो तो आप ये रोज़ वाटर वाली स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस इस फेस पैक में हमने यूज़ किए हैं ओट्स और राइस, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट हमारे स्किन को ब्राइटन करने के लिए हेल्पफुल होती है गाइस। आप इस फेस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। ये एक ही बार में हमारी स्किन को बहुत ही ब्राइटन और एक ग्लोइंग स्किन देता है गाइस। तो इस फेस पैक को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइस अब हम बनाएंगे टोनर। तो टोनर के लिए हमें चाहिए ये राइस वाटर जो हमने फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था, तो वो हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ राइस वाटर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गाइस। तो गाइस ये हमारा टोनर रेडी हो गया। तो लास्ट आते हैं टोनर पर गाइस। तो ये जो टोनर है वो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे है गाइस, क्योंकि इसमें हमने मिलाया एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल हमारे स्किन को सूद करता है, मॉइस्चराइज करता है, और ये हमारे स्किन को ब्राइटन भी करता है और साथ ही साथ नरिश भी करता है। तो ये टोनर भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो ये स्किन केयर रूटीन आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा गाइस। अगर आप वर्किंग वूमन हो तो वीक में 1 बार या 2 बार इस स्किन केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक
सेक्शन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।